Hello students, welcome to CR Internet School online classes. Dear student, today we will discuss lesson number 6, dissolution of a partition firm, part number 9. Dear students, dissolutions का हमारा लेसन चल रहा है और जिसमें मेन नेसेसरी अकाउंट है वो हमारा रियलाइजेशन से रिगार्डिंग है और रियलाइजेशन अकाउंट को कैसे मेंटेन किया जाता है उसको हम समझा रहे हैं. तो देखिए डियर स्टूडेंट, टुडे विल डिस्कस लेसन नंबर 13. लेसन नंबर 13 के अंदर देखिए, फॉलोइंग द बैलेंस शीट एक्स और वाई की दे रखी है और उनका रेशियो दे रखा है 4:1. बैलेंस शीट गिवन इन द क्वेश्चंस एंड आल्सो द रिगार्डिंग सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड द फर्म इज द डिसोल्ड. व्हाट इज द प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. तो देखिए, सबसे पहले हमारा अकाउंट है, मेन है वो है रियलाइजेशन अकाउंट. तो डियर स्टूडेंट, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है? सेम नॉमिनल अकाउंट की तरह बनता है. डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीस, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीस. ओके, चलिए जी, क्या है? सबसे पहले ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर्ड. बैंक को छोड़ दीजिए, डेटर स्टॉक इन्वेस्टमेंट एंड द फर्नीचर बिल्डिंग एंड गुडविल पी एंड एल को छोड़ दीजिए. तो चलो, डेटर स्टॉक इन्वेस्टमेंट फर्नीचर बिल्डिंग, डेटर स्टॉक इन्वेस्टमेंट, डेटर स्टॉक इन्वेस्टमेंट फर्नीचर बिल्डिंग गुडविल, फर्नीचर बिल्डिंग एंड गुडविल. तो दीज आर द एसेट्स आर गिवन इन द बैलेंस शीट. तो ट्रांसफर कर दी, वैल्यू इसकी दे रखी है 17,15,25 6,000 और बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है 19,000 और 10,000. मैंने सबसे पहले बताया आपने बाई प्रोविज़न लिखना है. बाई प्रोविज़न, प्रोविज़न डेटर में से लेस करके कितना हुआ है 2,000 का. तो सबसे पहले हम प्रोविज़न लिखेंगे 2,000. उसके बाद जितनी भी लाइबिलिटी है, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, एक्स ब्रोदर लोन, वाई लोन नहीं लिखना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन लोन, पांच चीज़ें हैं. क्रेडिटर, क्रेडिटर के बाद क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट, एक्स ब्रोदर लोन, वाई का लोन अकाउंट बन जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. कितना कितना? 8,6,8,5. कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर नहीं होता है. तो देखिए, बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो गई है. अब हम बारी बारी से, एक्स एग्रीड टू पे ओवर द ब्रोदर. एक्स ने कहा ब्रोदर लोन मैं दूंगा, 2x कैपिटल, एक्स की कैपिटल. ब्रोदर का लोन कितना था? 8,000. तो 8,000 रुपये पेड बाई एक्स. डेटर 5,000 रुपये, 15-17 में से 5 डूब गए, कितने मिलेंगे? बाई बैंक डेटर आर 12,000. अदर एसेट्स रिलाइज, इन्वेस्टमेंट 20% लेस, गुडविल 60%. इन्वेस्टमेंट 25,000 का 20% 5,000 होता है, तो 20,000 रुपये. गुडविल है आपकी 10,000 का 60%, 6,000 रुपये. वन ऑफ द क्रेडिट 5,000 वाज पेड ओनली 3,000. क्रेडिटर के 5,000 को 3,000 दिए, तो बाकी 3 को 3 दे दिए. क्रेडिटर टोटल 8,000 रुपये गए थे, 5 वालों को 3 दिए, तो बाकी कितने बच गए? 3. तो 2 बैंक, क्रेडिटर की पेमेंट हो जाएगी 6,000 रुपये, 2,000 का फ़ायदा हो जाएगा. बिल्डिंग वाज एक्शन 30,000 एंड ऑक्शन कमीशन 1,000. तो हमारी बिल्डिंग के पैसे कितने मिले? 1,000 कमीशन घटा दीजिए, हमारे पास 29,000 रुपये. वाई टुक ओवर द पार्ट ऑफ द स्टॉक, बाई वाइज कैपिटल कितना लिया? 4,000 रुपये में. और स्टॉक कहता है 20% लेस देन था और बैलेंस स्टॉक रिलाइज 50%. बैलेंस कितना है वो वैल्यू हम स्टॉक की इसमें लिखेंगे. तो देखो वो कैसे निकालना, ध्यान दो.
देखिए मैं यहाँ पर निकालना सिखाता हूँ आपको। स्टॉक ये बता रहा है 4000 का टेकन लिया, ये 20% कम है, तो 100 × 100 में क्या करते हैं 80, क्योंकि 20% कम था ना, 20 × 80 = 100, 4×4 तो इसका मतलब स्टॉक वो 5000 था, 5000 वाला 4000 में ले लिया, तो 10 में 5 का तो गया, बाकी 10000 बच गया, 10000 का 50% उस 5000 में वसूल हो गया। तो ये समझ में आएगा, वाई का तो सीधा सवाल में दे ही रखा है। अब इनका जोड़ कर दो, 29, 5, 34, 34, 40, 40, 60, 60, 12, 72000 रुपये हमें वसूल हो गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने एक बात बता रखी थी, हम पेमेंट साइड में बहुत देखेंगे। पेमेंट साइड में क्या है, क्रेडिटर की पेमेंट होगी बैंक ओवरड्राफ्ट की, टू बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 6000 रुपये, इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सेशन हो वेयर द लोन्स हो गया चुका है, चलो जी ये हमारी पेमेंट होगी। चलो जी अब हम टोटल करेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस गिवन कितना दे रखा है 2000, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000 रुपये, जोड़ हमारा इधर का ज़्यादा आएगा, ये आ रहा है 114000 रुपये, 114000 बाय लॉस, हाउ मैनी अमाउंट लॉस हमारा हो रहा है 9000 रुपये का, डिस्ट्रीब्यूट बाय 4/5 and 1/5, एक्स को मिलेगा 7200, वाई को मिलेगा 1800। तो इज दैट क्लियर। देखिए एक बार फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ, बहुत ही आसान है, ये एसेट जितनी थी आपने दे दी, ये जितना प्रोविजन के साथ लाइबिलिटी इन्वेस्टमेंट था ये यहाँ लिख दिया, ये एसेट सोल्ड होंगी, ये सोल्ड हुई और कुछ पार्टनर ने ली वो लिख दी यहाँ पे, इनकी पेमेंट होगी, प्रोविजन की कोई पेमेंट नहीं होती, IFF की कोई पेमेंट नहीं होती, क्रेडिटर की, बैंक की और ये IFF की एक दो तीन की पेमेंट, एक दो तीन और रियलाइजेशन सवाल में दे रखा था। ओके ब्रोदोलन एक्स ने टेकन लिया तो एक्स का नाम लिख दिया, नहीं है तो टू बैंक करके नाम कर देंगे, तो दिस इज द, ये साइड ज़्यादा है तो लॉस होगा, ये साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा। ओके स्टूडेंट, उसके बाद क्या बनाना है, दूसरा अकाउंट बनवा रहा है कैपिटल अकाउंट, तो देखो कैपिटल, देखिए कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, सेम डिटो वैसे ही, जो भी मिलता है पार्टनर को दे दीजिए कैपिटल अकाउंट के अंदर, और जो उनसे लेना है वो ले लीजिए, क्रेडिट कर दीजिए, उनके खाते में चले जाएंगे पर्टिकुलर एक्स एंड वाई। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी, उनका बैलेंस कितना गिवन है 50000 और 40000, तो ये 50000 और ये 40000, पहले बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट में कुछ था नहीं, P&L का लॉस था, तो P&L का लॉस है तो इधर, प्रॉफिट है तो इधर, कितना था 10000 था, तो 8000 इसके हिस्से में आ गए, 2000 इसके में, हमारे क्या हुआ था लॉस हुआ था, रियलाइजेशन का लॉस 7200 इसको आ गया था और 1800 इसको आ गया था, 1800 × 72 1800। स्टॉक टेकन किसने किया था, उधर लिखा था तो टू रियलाइजेशन, किसने टेकन किया था स्टॉक, एक्स या वाई ने, वाई ने स्टॉक टेकन किया था 4000 रुपये में, और एक्स का लोन किसने दिया था, एक्स दिया था ना, एक्स का लोन, एक्स ब्रोदर लोन, कितना था एक्स ब्रोदर का लोन 8000 रुपये इसने दिए थे। चलो जी उसके बाद क्या खेल है, टू बैंक का 58000 एंड हेयर इज द 40000, 58 में से देखो ये घटा तो 15200, तो टू बैंक, इनकी पेमेंट हो जाएगी 42800 की, इधर 4 × 2 = 6, 7800 घटा देंगे 40000 में, तो ये पेमेंट हो जाएगी 32200 की, ये पेमेंट बैंक में चला जाएगा, दिस इज द टोटल आर हेयर। अब बैंक अकाउंट सो इजीली, मैं बार बार कह रहा हूँ बैंक में क्या आता है, बैंक में जो आया वो इधर और गया वो उधर, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट, अगर टोटल बराबर है तो आपका सवाल ठीक होगा, अन्यथा आपका गलत होगा। देखिए बैंक में सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, जो भी इनके पास है कितना बैलेंस है इनके पास 20000 रुपये, आया कहाँ से, संपत्ति बेची तो पैसा यहाँ आएगा रियलाइजेशन, 72000 रुपये आया था, गया कैसे देखिए बारी बारी, बाई रियलाइजेशन क्रेडिटर के गए, उसके बाद ब्रोदर का लिया था, बैंक ओवरड्राफ्ट और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन के 2000 गए थे, बैंक ओवरड्राफ्ट का कितना गया था, बैंक ओवरड्राफ्ट का 6000 गया था और क्रेडिटर के भी 6000 गए थे,
उसके बाद क्या गया था, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, ए और बी के कैपिटल का कितना कितना गया था, सॉरी एक्स और वाई का, एक का 42,800 गया था और एक का शायद 32,200 था, हाँ जी 42,800 32,200। और वाई ने लोन दे रखा था, देखो लोन अकाउंट नहीं बनवा रखा था लेकिन पेमेंट तो करनी है ना 3,000 रुपये की। वाई का लोन अकाउंट सिंपली बनता है, कहे तो बना देना, बाई बैलेंस बीडी टू बैंक और खाता क्लोज, अगर बराबर आ रहा है तो 72,20,92,000, इधर भी 92,000 आता है तो सवाल ठीक है नहीं गलत है, 8, 2, 10, 1, उसके बाद 6, 7, 6, 13, 2, 15, 15, 2, 17, 2, 19, 23, 22, 2, 4, 7, 2, 9, राइट, बिल्कुल ठीक है। तो ये था आपका बैंक अकाउंट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं खाली रियलाइजेशन आपको समझाऊंगा, बाकी आपने खुद करना है 14 में। देखिए 14th क्वेश्चन, तो 14th में देखिए क्या दे रखा है, ए बी सी आर पार्टनर, ए बी सी आर पार्टनर रेशियो 3:1:1:1, तो 3/5, 1/5, 1/5, ये तो इनका P&L था। उनकी बैलेंस शीट गिवन कर रखी है क्रेडिटर लोन WCR, बैंक कैश और डेटर, तो बैंक कैश दे रखा है तो सारी ट्रांजेक्शन बैंक के रिगार्डिंग में होगी। डेटर लेस प्रोविजन स्टॉक फर्नीचर क्रेडिटर, ए ने क्या लिया है वो दे रखा है, बी ने क्या लिया वो दे रखा है, सी ने क्या लिया वो दे रखा है, एक्सपेंसेस कितने हुए थे 40,000 हेड टू वर्कमैन कंपनसेशन का, WCR 30,000 था जबकि कंपन चार्ज, तो सारा का सारा WCR ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। ओके चलो जी, मेन नेसेसरी अकाउंट में बार बार कह रहा हूँ वो है रियलाइजेशन अकाउंट, चलो देखिए रियलाइजेशन कैसे बनेगा। है द रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, दिस साइड इज द डेबिट पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड दिस साइड द क्रेडिट इन रुपीज। सबसे पहले ऑल एसेट्स ट्रांसफर, बैंक कैश को छोड़ दो, डेटर स्टॉक फर्नीचर एसेंडरी एसेट, टू डेटर स्टॉक फर्नीचर एंड सन्डरी एसेट्स, लेकिन डेटर कितना है देखिए ध्यान से, डेटर हमारा दे रखा है 2,42,000, दो बयालीस हमारा डेटर है, स्टॉक है 78,10,170, 78,10,000 और सन्डरी एसेट दे रखे 1,70,000। इधर सबसे पहले मैं बार बार कह रहा हूँ बाई प्रोविजन लिखना, प्रोविजन कितना है हमारा, प्रोविजन दे रखा है 2,42,12 घटा के तो 12,000 रुपये का प्रोविजन। उसके बाद जितने भी लाइबिलिटी हैं, क्रेडिटर है, लोन है WCR, क्रेडिटर लोन WCR, WCR क्यों ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि WCR तो मात्र 30,000 था जबकि क्लेम 40 था, तो सारे का सारा WCR ट्रांसफर टू। लोन कितना है 15,000 और 60,000, ये 15,000 और ये 60,000, तो दिस इज योर लाइबिलिटी साइड होगी है, ये आपकी एसेट्स होगी। तो पहला स्टेप आपका टेकन, आपने कर लिया, ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर्ड एंड ऑल लाइबिलिटीज आर। अब बारी बारी से, फर्स्ट देखिए स्टेप टू स्टेप चलना, फर्स्ट नंबर क्या है, ए इज टेक ओवर फर्नीचर 8,000 एंड डेटर अमाउंट इज 2,00,000 एट 1,82,000 एंड क्रेडिटर 60,000 टू बी पेड बाई हिम एट द फिगर। ओके तो ए ने क्या क्या लिया, दो चीज़ तो एस एस डी है, एक क्रेडिटर की पेमेंट की है, तो लिखेंगे बाई एज कैपिटल, क्या लिया है ए ने, पहली स्टेटमेंट क्या, फर्नीचर और डेटर, तो ये फर्नीचर लिख दिया, ये डेटर, फर्नीचर कितने में 8,000 में, और डेटर कितने लिए हैं 1,82,000, 1,82,000 कितने हो गए 1,90,000, और कहा क्रेडिटर की पेमेंट मैं करूंगा, टू एज कैपिटल, कितने क्रेडिटर की पेमेंट कर रहा है, कहता है कि 60,000 टू बी पेड, 60,000 के दे दी इसने। बी क्या कहता है, बी कहता है ओ स्टॉक इन ट्रेड 70,000 एंड सम ऑफ द सन्डरी एसेट 72,000, कहता है कि स्टॉक तो लूँगा 70,000 में, बाई बीज कैपिटल, स्टॉक तो होगा 70,000
और सन्ड्री एसेट्स कुछ संपत्तियां लूंगा, वो लूंगा मैं 72,000 में। ध्यान देना ये 72,000 क्या है, समझो यहाँ पे ये कहता सन्ड्री एसेट लेस देन द 10% ऑफ द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का 10% कम है। 72,000 गुणा 100/10, जैसे 100/80 क्या था, इसमें 100/10 9 8 72, तो एक्चुअल में एसेट्स की वैल्यू 80,000, तो 80 वाली चीज़ तो इसने 72 में ले ली, तो एसेट्स मेरे पास 170 की थी, 170 में 80 गई तो कितने बच गई, 90,000 की बच गई। ये 90 कौन लेता है, वो आगे चलो। सी बोला रिमेनिंग एसेट 90% बुक वैल्यू, 90,000 का 90% होता है 81,000, 81,000 वाली 1,000 रुपये लूँगा डिस्काउंट, तो बाई सीज कैपिटल ये कितना हो गया 72, और आपका कितना था 7,000 का स्टॉक लिया था ना, 72 और 70, 2,42,000 इसने दे दिए बी ने। सी ने क्या लिया है 80,000 का, तो ये लिया कैपिटल सन्ड्री एसेट्स, और क्या कहा डिस्चार्ज द लोन टूगेदर विद द अक्रूड, द 300 रुपये लोन के साथ मैं पेमेंट कर दूंगा भाई, तो लोन था कितने का 15,000, तो करेगा पेमेंट कितनी 15,300 टू सीज कैपिटल, 15,300 का लोन था, 300 इंटरेस्ट था। डिजोलेशन एक्सपेंसेस कितने हुए 2,700, चलो जी टू बैंक डिजोलेशन एक्सपेंसेस, ये हो गए आपसे टू बैंक। आगे क्या कहता है रिमेनिंग डेटर, रिमेनिंग बच कितने रहे थे, देखो डेटर पे आते हूँ, डेटर थे 2,00,000 वाले 1,82,000 मिले हैं, तो डेटर टोटल 2,42,000 थे, 42,000 का 50% बाई बैंक, 21,000 रुपये हमारे पास नकद आ जाएंगे, और 40,000 टू बी पेड WCR टू बैंक क्लेम 40,000। आप यहाँ देखते पेमेंट होगी, प्रोविजन की होती नहीं है, क्रेडिटर की होगी, लोन की होगी, WCR क्लेम की होगी, एसेट्स डेटर भी गए, स्टॉक भी गया, फर्नीचर एसेट्स गई। अब हमने जोड़ करना है, ये साइड आ रही हमारी 1,00,000, ये आ रही हमारी टोटल 6,18,000, इसमें से लेस कर देंगे तो हमें लॉस होगा बाई लॉस, और लॉस कितना हो रहा है 68,000 टोटल आर हेयर, 6,18,000 हो जाएगा। देखिए 68,000 के लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट जो करेंगे वो रेशियो होगा हमारा 3:1:1, तो 40,800, 40,800, 13,600 और 13,600, दिस इज द लॉस ट्रांसफर टू एज रिगार्डिंग एज कैपिटल, बी एज कैपिटल एंड सी एज कैपिटल। तो ये था आपका सवाल, एक बार फिर देख लीजिए प्लीज। ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर्ड हर ईयर प्लीज, डेटर स्टॉक फर्नीचर सन्ड्री एसेट्स, ऑल एसेट्स आर हियर। लायबिलिटी सबसे पहले मैंने बताया प्रोविजन लिखना है, क्रेडिटर लोन और WCR ट्रांसफर, WCR ऑल अमाउंट ट्रांसफर क्यों होगा, क्योंकि क्लेम की राशि इससे ज़्यादा थी, 30-30 होता तो 30-30 ट्रांसफर हो जाता, 30-20 होता, 30 यहाँ होता 20 यहाँ पे क्लेम होता, 10,000 रुपये पार्टनर को देते खाली 20 ही ले लेते, और क्लेम नहीं होता तो सारा ट्रांसफर WCR पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट डिटो बनेगा। डियर स्टूडेंट्स आई होप दैट आपको दोनों इंटरेस्ट बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अब आते हैं आप अपने होमवर्क की तरफ प्लीज। होमवर्क क्या है, होमवर्क है इलेक्शन नंबर 1 to 14, हमने 14 तक किए हैं, एंड एक्सरसाइज ये प्रैक्टिस नोटबुक में करने हैं आपने, एंड वन एक्सरसाइज रिगार्डिंग ऑफ 1 to 14 आल्सो इन द फेयर नोटबुक। ओके स्टूडेंट एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग ऑफ दिस 94 माई व्हाट्सएप नंबर 6586639। ओके स्टूडेंट थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ, गुड बाय, हैव ए गुड डे।